इतनी महंगी गाड़ी का कोई सफाई नहीं करता, किसी को परवाह ही नहीं है कोई। चले पापा। भाई ये क्या है? अरे लाइटर है, दिखता नहीं है, अंधे हो गए हो क्या अभी से? लाइटर है वो तो मेरे को भी पता, पर ये गाड़ी में क्या कर रहा है? पापा वो एक दोस्त की ना बर्थडे पार्टी थी तो केक काटा था बस। केक काटा था या मेरा कद्दू काट रहा है? सॉरी पापा, आगे से मैं कभी बीड़ी नहीं पीऊंगा। पापा पापा मारो, और नहीं कभी गुटखा खाऊंगा, नहीं कभी दारू पीऊंगा, मारो मत पापा। अरे तेरी तो नहीं, नहीं, पापा, नहीं, 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 नहीं पापा। लो बेटा बैग गाड़ी में रखो। आया मम्मी। मम्मी हम एक दिन के लिए जा रहे हैं, बस नहीं नहीं जा रहे, इतना सारा सामान। चुप कर तू, सारा सामान अच्छे से रख गाड़ी में, और पन्नी ले हाथ में, संभाल कर रखियो इसको। पन्नी पर क्यों? मुझे उल्टी आ गई तो। Hey guys, तो ये मैं हूँ और ये मेरी फैमिली है और हम घूमे घूमे करने जा रहे हैं। तो कमेंट करके बताना हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, जो सही कमेंट करेगा उसे मिलेगा मिलने का मौका। बाय बाय। चलो बैठो सब गाड़ी में। तू भी बैठ गाड़ी में। अरे पापा मुझे दे दो गाड़ी की चाबी, मैं चलाऊंगा इस बार। ओए माँ। आप गाड़ी में बैठ जा, समझ गया? अरे पापा दे दो ना गाड़ी की चाबी, हर बार आप चलाते हो। तो 5 घंटे की जगह 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। वाह बेटा, खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा, चल बैठ। अरे पापा कुछ नहीं होगा, दे दो ना। चल बैठ जाके। नहीं एक गाड़ी चलाएंगे साहबजादे, और वो भी बाप के हाथ पे काट के हैं। 5 घंटे का सफर 1 घंटे में। पानी की बोतल देना। ओ बेटा मैं पानी की बोतल तो घर ही भूल गई। कोई काम तुम ढंग से नहीं कर सकती हो। रुको लेता हूँ गाड़ी वापस। अरे पापा गाड़ी वापस क्या लेनी है, आगे दुकान आएगी ले लेंगे वहां से। 20 रुपए कौन खर्चेगा जब एक काम फ्री में हो रहा है तो। 1 2 3 go। अब तो कोई कुछ नहीं बोला ना, चले। नहीं नहीं कुछ नहीं बोले, चलो अब। चलो चले मितवा। पापा पापा जल्दी गाड़ी रोको। अब क्या हुआ? मैं कुछ इम्पोर्टेंट सामान भूल गई। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट सामान भूल गई? लाऊंगी ना तो देख लियो। 1 2 3 go। क्या भूल गई थी? मेरी रिंग लाइट। इससे तो मैं बहुत सारी रील बनाऊंगी। ये भगवान, ये मेरे घर में क्या नौटंकी पैदा हो गई। अब तो और किसी को कुछ नहीं लेना, चलें अब। चलो, चलो पापा चलो। चलो चले मितवा। ओ शिट पापा गाड़ी रोको पापा। अबे अब क्या हो गया? पापा मैं अपने जॉकी के कच्चे भूल गया, और वहां अगर किसी को पता चल गया मैं रुपए पहन के हूँ क्या सोचेंगे? अरे ओ महापुरुष, वहां कौन तेरे कच्चे चेक करेगा यार, चुपचाप बैठा रहे। चुपचाप ले लो गाड़ी वापस, वरना बता दूंगा मम्मी को आपके और बबीता आंटी के बारे में। अरे बेटा तू तो नाराज हो गया, अभी मोड़ता हूँ गाड़ी, ये लो अभी ले आते हैं, अभी लाते हैं कच्चे घर से बेटा। ठीक है जरूरी। अब चले। चलो चले मितवा। ओ शिट।
अरे अब क्या हो गया? अरे यार मैं अपना पर्स भूल गया। अरे यार पापा आप ना किसी काम के नहीं हो। हर बार ही ना इस बुढ़ू के चक्कर में लेट होते हम। पापा अब ना थोड़ी देर तक गाड़ी ऐसी रोक के रखना, मैं ना दो चार रील बना लेती हूँ। चुप कर, तुम लोग भी तो अपना अपना सामान भूले थे। मैं कुछ बोला था, गाड़ी मोड़ के ले गया था ना। चुपचाप शांति के साथ बैठो। चुपचाप ना सीधे तरीके से गाड़ी चला लो। अरे भगवान, बगैर पर्स के वहाँ करेंगे क्या? अरे यार पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, पैसे हैं मेरे पे, चलो। अरे ओ चिंदी चोर, तेरे पे कहाँ से पैसे आ गए? अरे आए हैं कहीं से, आपको क्या टेंशन है, चलो ना। नहीं तू बता पहले कहाँ से लाया पैसे। अरे पापा जो आप मुझे पॉकेट मनी देते हो ना, उसको मैं सेव करता हूँ और अच्छी जगह इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है तू ये अच्छी इन्वेस्टमेंट? गोल्ड में। क्या गोल्ड में, वो कैसे? पापा आपको पता है गोल्ड कितना इम्पोर्टेंस रखता है हम लोग की लाइफ में, कितने लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते हैं। हाँ हाँ वो सब पता है मुझे, बट कैसे और इतने पैसे आए कहाँ से तेरे पास? पॉकेट मनी से तो इतना नहीं होता। देखो पापा मैं करता हूँ डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट। डिजिटल गोल्ड, ये क्या होता है? पापा डिजिटल गोल्ड का मतलब होता है आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हो अपस्टॉक्स गोल्ड ऐप से, वो भी बहुत आसानी से। और आपको पता है ये 100% सेफ एंड सिक्योर है और बहुत ही भरोसेमंद है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्या? और बता इसके बारे में कहाँ से मिलता है ये? अपस्टॉक्स गोल्ड ऐप पर, जहाँ आपको 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड मिलता है। और पापा आप इस डिजिटल गोल्ड को कहीं भी और कहीं से भी लाइव मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो भी 24/7 आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। और तो और इवन 1 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और जितनी आपकी सेविंग्स है उसके अकॉर्डिंग आप जितना चाहो उतना करो। फिर भी मेकिंग चार्ज तो देने पड़ते होंगे ना, इतनी सुविधा तो दे रहे हैं ये। अरे नहीं पापा यही तो बात है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं यहाँ पे, बस 3% GST देना होता है। और कुछ टाइम में तो ये होम डिलीवरी भी शुरू करवाने वाले हैं, और अभी तो अपस्टॉक्स गोल्ड पे अकाउंट भी फ्री में खुल रहे हैं, और साइन करने पर 51 रुपए का ई गोल्ड भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी आप जाके ऐप डाउनलोड करो और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू करो। सही आइडिया दिया यार तूने, अभी डाउनलोड करता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो और कर लो बिजनेस की बातें, घूमने तो कल चल पड़ेंगे। अरे तुम तो नाराज हो गई, बस अभी चलते हैं। चलो चले मितवा। पापा एक बात बताओ, हम दोनों की शक्ल आपसे क्यों मिलती है? अरे बेटा हम तुम्हें जंगल में पेड़ से थोड़े ना तोड़ के लाए थे, तुमको पैदा किया है पैदा, तो शक्ल तो हमसे मिलेगी। अरे पापा पागल पागल हो क्या, तमीज नहीं है बिल्कुल। ये सारी गलती सौरभ की है। मेरी क्या गलती है? क्यों, सुबह सुबह मूली के पराठे खिलाओगे तो ये तो होना ही है। तुम तो कुछ भी खाओ, तुम्हें तो पादना ही पादना होता है। Hey guys, कैसे हो सब? तो देखो मेरे पापा पाद मार रहे हैं। और पापा वैसे हम सब ने भी तो पराठे खाए हैं, लेकिन हम में से तो कोई नहीं पाद मार रहा। शिट शिट। हाँ जी सुनिए, वो एक एक कप चाय पी लेते, मन कर रहा था चाय पीने का। हाँ मैं भी कह रहा हूँ, बहुत दिनों से अच्छी चाय नहीं पी। है? क्या मतलब है तुम्हारा, मैं अच्छी चाय नहीं बनाती? नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। अब कहीं गाड़ी रुकेगी नहीं, सीधे ले लो गाड़ी को। Hey guys, तो मैं आपको पोएम सुनाती हूँ। रोड पे गाड़ी चलती है, गाड़ी में गधा गधी बैठते हैं, गधी का चाय पीने का मन करता है लेकिन गधा ज्यादा बोल जाता है, इसलिए चाय कोई नहीं पी पाता। कैसी लगी पोएम मम्मी? वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, मौज कर दी तूने तो, ऐसा चटाक मारूंगी जमीन चाटती फिरेगी। बेटा
बेटा जल्दी सी विंडो बंद कर, मेरा जी घबरा रहा है, बहुत पेट्रोल की बदबू आ रही है मुझे। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? बेटा मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे उल्टी आने को हो रही है। चेरी बेटा वो पोलोथीन देना। क्या हुआ, नहीं मिली क्या? पापा वो शायद जब मैं कच्चे लेने गया था ना तो घर पे ही रह गई शायद। तू है ना किसी काम का नहीं है, निकम्मे नल्ले। अरे बाहर करना। अरे 2 मिनट रोक नहीं सकती थी, सारी गाड़ी गंदी कर दी। अरे पापा आप गाड़ी लगाओ साइड में। आ यार ये मेरी मम्मी है और उल्टी हो रही है। मम्मी आपका ना हमेशा ड्रामा है। बेटा तुमने खिड़की क्यों खोल ली थी? उसी से मुझे पेट्रोल की स्मेल आई और मुझे वोमिटिंग आ गई। तो मम्मी पेट्रोल की स्मेल तो हमें भी आ रही थी, मुझे तो उल्टी नहीं आई। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। अरे पापा कहाँ गए? कश लगा कश लगा। अरे यार ये नहीं सुधरेंगे। अरे पापा क्या कर रहे हो आप, चलो ना। ए सुट्टा ब्रेक है, दिखाई नहीं दे रहा, चल निकल। बड़ों को भी और कोई काम नहीं है, सारा दिन बैठे बैठे बीड़ी पीते रहेंगे। चल बेटा हम गाड़ी में बैठते हैं। अरे चेरी बेटा गाड़ी का एसी ऑन कर दो। आया मम्मी। कश लगा भाई निकाल दो 1000 रुपए। क्यों किस बात के? बात के मास्क है तेरा? सब मास्क तो ना घर बुलाया अपना। घर बुलाया? अब घर जाना चाहता है तो 2000 रुपए निकाल। मैं अपना पर्स भी घर बुलाया। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा हैं? तेरी तो एक मिनट। अबे तू कौन है? अरे मैं हूँ पापा। और ये क्या पहन रखा है? ये मास्क है? ये कैसा मास्क है? मैं ऐसी मास्क पहनता हूँ। और एक मिनट ये लो निकलो। अरे वाह बेटे मौज कर दी, तू तो हैवी ड्राइवर है। ये सब छोड़ो गाड़ी की चाबी दो। चल ले चला ले आज चलो। राधे राधे बोले राधे राधे। अरे पापा कोई गाना वाना चला लो यार। हाँ पापा जस मानक के सॉन्ग लगा लो ना। अबे ओ जस मानक, इस गाड़ी में गाना चलेगा तो सिर्फ ब्राउन मुंडे, समझ गई? जस मानक ब्राउन मुंडे, जस मानक ब्राउन मुंडे, जस मानक। चुप दोनों, चलेंगे तो इस गाड़ी में सिर्फ भजन चलेंगे, समझ गए? नहीं तो उतर जाओ गाड़ी में से। राधे 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 राधे। ओ बहन वो देख, अबे उड़ने वाली चिड़िया। हाँ भाई वहाँ देख भोगने वाला कुत्ता। अबे हाँ पागल हो ये दोनों बच्चे। ये गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मैंने नहीं रोकी पापा, खुद रुकी है। खुद कैसे रुक गई? अभी तो सर्विस कराई थी पिछले साल। यार क्या मुसीबत है, क्या हो गया इसमें यार पता ही नहीं। जब मैं कहूं तब स्टार्ट करियो। चल स्टार्ट कर। मारू? हाँ मार सलफ। अबे कमीने। अरे सॉरी पापा सॉरी, वो मुझे पता नहीं था गाड़ी गियर में है। कमीने मुझे ऐसे मार के मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता तू? अरे नहीं पापा कैसी बातें कर रहे हो, उठो। कैसी बात कर रहे हो? अरे तू मेरे को मारना चाहता है मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में? हैं हैं चाबी दे पड़े गाड़ी में। बैठो। पापा पापा गाड़ी रुको पापा। क्यों क्या हो गया? अरे नारियल पानी,
नारियल पानी पीते है ना? वैसे तो छुप छुप के बियर पीते, आप नारियल पानी पिएगा? कहीं नहीं रुकेगी गाड़ी रास्ते में। अरे रोक दो ना पापा। चुप होके बैठ, सीधा चल। पापा पापा गाड़ी रोको। अब क्या हो गया? मुझे सुसु आ रहा है। जा जल्दी कर। क्या? अरे एक मिनट, अभी तो आप कह रहे थे गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। वो रूल तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। कौन है तू? पापा की परी है ना पापा? हाँ मम्मी। चलो चले मितवा। पापा फिर से सुसु आया। रुको अभी साड़ी में लगाता हूँ गाड़ी। अरे पापा अभी तो गई थी तू सुसु करने। ये क्या दिक्कत है फिर? हैं? बैठ आराम से। अरे बेटा अभी आ जाएगी ना, तू टेंशन ले रहा है। तू जा जल्दी जा। हाँ मम्मी। अब बेटा। हाँ पापा। चलो चले मितवा। पापा फिर से सुसु आया है। फिर से? अबे तू एक मिनट में तीन बार चली गई, इतना सुसु ला कहाँ से रही है? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा बेटा, जाने दे इसको, चक्कर क्या पाके। अब चले बेटा। हाँ जी बाबा। चलो चले मितवा। पापा गाड़ी रुको पापा। क्या हो गया? सुसु जाते हैं। चुपचाप बैठा रहा भाई, गाड़ी सीधा होटल पे रुकेगी जाके। मम्मी पापा रोक दो ना यार। मत रोकना पापा इसके लिए, हर बार का यही ड्रामा रहता है इसका। ऐसा कर, खाली बोतल है वो ले, उसमें कर ले बार। थैंक यू। पापा पापा वो देखो, कोई लिफ्ट मांग रही है लड़की। तू चुप रह, ये ऐसे लोग लिफ्ट मांगने के बहाने सब कुछ लूट के ले जाते हैं, समझा? अरे पापा हर कोई ऐसा नहीं होता। तेरे को बड़ा पता है, सब जानता है तू। पापा ये भी तो हो सकता है कि उसको सच्ची में लिफ्ट चाहिए हो, या उसको कोई हेल्प चाहिए हो। आपको पता है ये सब सोच के ना कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अरे पापा और भगवान ना करे अगर कल को उसको कुछ हो गया, आप अपने आप को माफ कर पाओगे? सोचो। और मम्मी अगर कल को इसको हेल्प चाहिए हो, ये कहीं ऐसा फंस जाए और कोई इसकी हेल्प ना करे, आप लोग को कैसा फील होगा? सोचो। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, हमें सबको एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वही तो। वापस लेता हूँ गाड़ी। सही कह रहे हो जी आप। So proud of you भाई। Thank you so much गाड़ी रुकने के लिए सर, मैं काफी देर से यहाँ खड़ी हूँ और कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा है सर। सर प्लीज आप मुझे थोड़ी दूर तक ड्रॉप कर सकते हैं सर? एक्चुअली मेरा फोन भी स्विच ऑफ है सर और मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे सर, प्लीज सर। ऊपर से मौसम भी बहुत खराब हो रहा है सर, प्लीज। अरे हम तुम्हारी हेल्प के लिए ही तो आए हैं बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखा पापा, हर कोई लिफ्ट मांगने वाला चोर नहीं होता। सही कह रही हो बेटा। इन्हें देखो कितनी अच्छी है। आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कोई ना चतरा नहीं बनेगा, समझे? एक मिनट क्या है? चक्कू दोबारा निकालने से करे। मतलब मुझे लाइव बनाए पापा? किसके? इंस्टा पे की अभी पे? इंस्टाग्राम पे। मुझे टैग जरूर करना। या, और हाँ सबके सब इसे डरेंगे समझे, नहीं तो गर्दन पे ऐसा चीरा लगाऊंगी ना। हाँ चल ठीक। गाइस लोग कहते हैं लिफ्ट मांगने वाले चोर होते हैं, लेकिन इन्हें देखो कितनी अच्छी है ना ये।
फॉलोवर्स कितने हैं? पूरे 10 है 10। ज्यादा नहीं है, बहुत हो गया लाइव लाइव। चलो सबके से बाहर निकलो, कोई शर्मती नहीं करेगा, समझे? चलो चलो फटाफट फटाफट, चलो चलो निकलो बाहर, बाहर निकल भैया, चल फटाफट निकलो, चलो मम्मी कुछ करते क्यों नहीं, मेरी रिंग लाइट ले जाएगी वो। अरे पापा चलो फटाफट कल्टी हो लो, यहाँ से निकलो, हम कैसे जाएंगे, उड़ के जा बुढ़िया। बहन मेरे पीछे रिंग लाइट रखी है, ले लू? जा ले ले। चल हो गया, अब निकल ले। अच्छा सुनिए, बोलिए। वो ना एक मेरा जॉकी का कच्चा रखा हुआ अंदर, तो मैं ले लू? अब जरा इधर तो आइए, निकाल ले फटाफट, कच्चा लेना इसको। ले गई चुड़ैल, ले गई। कमीने, तूने सलाह दी थी ना, रेक ले पापा, हेल्प कर दो, करवा ली हेल्प। मुझे क्या पता था पापा, गाड़ी में न्यू न्यू भी कर रहा था, मैंने देखा था उसकी तरफ। कमीने, पता नहीं कौन सी पनौती घड़ी में तू पैदा हुआ, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, अब कैसे जाएंगे हम? मारो पापा मारो, इसकी हड्डी पसली एक कर देना, हरामखोर कुत्ता कहीं का। अरे पापा, अरे 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 मम्मी आती। आप लोग भी बहुत आसानी से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपस्टॉक गोल्ड ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए।